वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद चंदन सर। जो कि आम आज डिस्कशन करवा से ओडिया ग्रामर 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन, जहाँ आम प्रीवियसली बहुत किसी क्वेश्चन डिस्कशन करते जहाँ आपने जानी एंड जोटा कि आप देखिपे जदि आप जीएस गुरु चंदन सर चैनल टेलीग्राम जॉइन होना एवं टेलीग्राम जॉइन होनी एंड व्हाट्सएप जो ग्रुप रही है ये आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन हेले आपको डेली बेसीस 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन जहाँकि आप मिले एंड दैट टू प्रैक्टिस करेंगे एंड प्रैक्टिस सरला यार वीडियो सॉल्यूशन आपके पहुंच दैट यहाँ पेड ग्रुप रही जहाँकि आप नंबर में मेसेज कले आप ग्रुप एड हो पारे एंड ओडिया और जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस जहाँकि अनअकाडमी एंड वाईटी दुईट प्लाटफर्म मध्यम आम कम्प्लीट कवर करवा जहाँकि ये आम जोटा कि ग्रामर एवं जो जिके रही गोटे मिनिट किए एंड जदि आप अनअकाडमी सहित जोड़ी होगा चाहते प्रथम जी आप सरी अनअकाडमी जो अच्छे आपंकर आप अच्छे या प्रथम डाउनलोड करनी देन प्रथम स्पेशल क्लास करूँ देन प्लस क्लास आप जॉइन करेंगे एंड प्लस क्लास जॉइन करने आपको चंदन सर कोड यूज करने पड़ो जो कि आप 10% डिस्काउंट सहित सहित इंडिविजुअल मटेरियल्स सो जदि आप एस एस सी किंबा बैंकिंग रे जदि जॉइन करने चाहते एटी आप प्राइसिंग प्लान रही आप जॉइन करते प्राइस पेल जोटा कि बहुत ही कम प्राइस रही चंदन सर कोड यूज करने बिल्कुल भी भूल तेरे आमर जो फर्स्ट क्वेश्चन रही संभाव्य असंपूर्ण भविष्य काल प्रथम पुरुष बहुवचन क्रियापद टीए कौन पढ़ाऊ थे पढ़ाऊ था पढ़ाई था पढ़ाई थिले तेरे राइट आंसर होची ऑप्शन बी जहाँकि पढ़ाऊ था माने प्रथम होची कि प्रथम पुरुष बहुवचन होची आमे तेणु आमे पढ़ाई थे हेनी किंबा पढ़ाई थांता हेनी किंबा आमे पढ़ाई थिले जदिबा हेब यह हूँ अतीत काल तेणु गोटे ही आप देखिए आमे पढ़ाऊ था एक भविष्य संभावना को सूचना दूसरी तेणु पढ़ाऊ था हूँ राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन रही शब्द एवं धातु विभक्ति युक्त हेले यहाँ कौन कहा जाए ऑप्शन सी यहाँ पद बोली कहा जाए जब शब्द एवं धातु विभक्ति युक्त हुए ताको पद बोली कहा जाए ये जो शब्द व धातुर जो विभक्ति आम कहे युक्त हेले यहाँ पद कहा जाए ये पद हूँ कौन पांच प्रकार पुणी भावन जो पद कौन बोल कि पद हूँ पांच प्रकार जहाँ हूँ आपणकर विशेष्य पद विशेषण पद सर्वनाम पद अव्यय पद एवं क्रियापद तेना पद क्या कहा जाए ना शब्द एवं धातु जो शब्द रही यदि विभक्ति युक्त हुए यह आम कौन कही था पद बोली कही था तेणु ऑप्शन हूँ सी आंसर आ पांच प्रकार पद रही तेरे अज्ञता क्षमणीय यहाँ आकार नुहे मुझे अज्ञता क्षमणीय मात्र औद्धत्य क्षमणीय नुहे यह जो अज्ञता एवं औद्धत्य जो दुईट रही क्यों प्रकार विशेष्य अटे गुण अवस्था ना अवस्था गुण ना अवस्था अवस्था ना गुण गुण ता अज्ञता हो कि औद्धत्य हो दुईट जाक गुण बाचक विशेष्य तेनाली ऑप्शन डी हूँ यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सर्वनाम क्या परिवर्तन व्यवहृत हुए ना सर्वनाम क्या परिवर्तन व्यवहृत हुए ना तेणु सर्वनामटी क्रियापद परिवर्तन व्यवहृत हुए ना जदि मु कहे कि गांधी सत्यवादी थिले से भारत को स्वाधीनता देथिले भारत को स्वाधीनता देथिले जदि कहे गांधीजी सत्यवादी थिला थिले तांकर एही नीति भारत को स्वाधीन दे थिला किंबा गांधीजी सत्यवादी थिले एहा देशवासी जानंती तो तीनोटी भितर आप डिफरेंस देखुंत गांधी से भारत को स्वाधीन करते से हूँ विशेष्य परिवर्ते गांधीजी सत्यवादी थिले तांकर एही नीति क्यों नीति सत्यवादी नीति तेणु सत्य अहिंसार नीति विषय यही जहाँ हूँ कौन विशेषण परिवर्तन रे बसुच्छे
तेरे गांधीजी सत्यवादी थिले एहा देशवासी जानती तेणु गांधीजी की जानती सत्यवादी नीति को जानती या वाक्य परिवर्तन बस तेणु विशेष्य पद विशेषण पद वाक्य परिवर्तन सर्वनाम बसिपे कि क्रियापद नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन नाम विशेषण को केत भाग विभक्त कर दुई प्रकार चारि प्रकार पांच प्रकार तीन प्रकार तबे ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर जहाँ हूँ दुई प्रकार तबे कौन नाम विशेषण हूँ गोटे आम देखा विशेष्यर विशेषण आउ गोटे हूँ आपणकर सर्वनाम विशेषण सर्वनाम विशेषण क्योंकि जदि आम भाव विशेषण कथा कहचे भाव विशेषण यह केत प्रकार विभक्त करा ना चारि प्रकार गोटे हूँ विशेषण विशेषण गोटे हूँ अव्ययर विशेषण गोटे हूँ क्रियार विशेषण गोटे हूँ वाक्यर विशेषण तबे विशेषर विशेषण यदि आम कह कि राम भल पिला तो विशेष्य को विशेषित करूवा जो जहाँकि आम कौन कहचे भल पिला कहचे तेणु जदि सर्वनाम को सर्वनाम विशेषण ता भल अटे तेणु सर्वनाम को विशेषित करूवा जो यह हूँ सर्वनाम विशेषण यह कह जाए नाम नाम विशेषण तेणु आम इनडायरेक्टली विशेषर विशेषण को नाम विशेषण बोली कही था जहाँ मुझे बहुत थर आपको एग्जाम्पल विशेषर विशेषण को नाम विशेषण कहुए भाव विशेषण भितर कौन रही विशेषण विशेषण अव्ययर विशेषण क्रियार विशेषण और वाक्यर आर मध्य बहुत एग्जाम्पल टाइप विगत सेट मानक कि क्वेश्चन थी जहाँकि केत प्रकार तेनाली आंसर हूँ ऑप्शन दुई जोटा ऑप्शन ए जहाँ को दुई प्रकार जदि पचारे आपको भाव विशेषण को केत भार व्यक्त करसर हूँ चार तेज नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन अवश्य से तुमको पाख को नहीं जीव वाक्यर जो विषण पदटी रही कौन अटे अवश्य से तुमको पाख को नहीं जीव तेणु अवश्य ठारे एक विषण पद रही ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर यह हूँ वाक्यर विशेषण आम जो भाव विषण पढ़ले वाक्यर विशेषण तेज देखिए अवश्य निश्चय ये सब शब्द लग विषण लग जो वाक्य को विशेष करूँ एक वाक्यर विषण बोली ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर आउ तार प्रकार हूँ वाक्यर विशेषण तबे विद्वान जो विद्वान ए विद्वान स्त्रीलिंग कौन विद्वानी विद्यावती विद्यामती विदुषी विद्वान स्त्रीलिंग कौन हे बोली आपको क्वेश्चन पचारि आंसर हूँ विदुषी जहाँकि बहुत पिला या को भूल करेंगे हूँ तो विद्वानी आपड़ करेंगे मोर जा आशा कि आंसर हूँ पे विदुषी तबे नेक्स्ट कौच धनी स्त्रीलिंग शब्द टी कौन धनवानी धनुई धनुई या फिर धनिनी कौन रही आपणकर धनीर स्त्रीलिंग बहुत इम्पोर्टाट ऑप्शन डी मे भी बहुत पिला मैंने ऑप्शन डी को बी को आंसर दे थे कि भूल धनिनी हूँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंटी शूद्रर स्त्री को बुझाए शूद्रर स्त्री आपणकर स्त्रीलिंग हिसाब से शूद्रर स्त्रीलिंग को बुझे पार शूद्रु आम जब दुईट स्त्रीलिंग शूद्र शूद्र जातीय कन्या को आम कहीपर स्त्रीलिंग हिसाब से किंवा गोटे पर्टिकुलर शूद्रर स्त्री को आम शूद्रर स्त्रीलिंग हिसाब से नहीं पारा तेनाली आपको क्वेश्चन पचार शूद्रर स्त्री को कहले कौन कौन बुझा शूद्रा ना शूद्राणी ना शूद्री ना के नुहे यह आपको आंसर पचारि ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर ऑप्शन सी शूद्री हूँ शूद्रंकर स्त्री शूद्रा हो कि शूद्राणी होूद्र जातिर कन्या शूद्र जातिर कन्या कि कौन शूद्रर झी को बुझेब शूद्रा कि शूद्राणी शूद्री हेले जहाँ हूँ शूद्रंकर स्त्री ओके शूद्रीर स्त्री ओके। नेक्स्ट रही बाप पुओ को भात खुआले बापा पुओ को भात खुआले यह बापा जो लेखा जा निश्चित भाव कर्ता अटे किंतु यह मुख्यकर्ता ना प्रयोजनकर्ता ना प्रयोजन ना प्रयोजककर्ता 399 नंबर आंसर
जहाँ हूँ प्रयोजनकर्ता। जदि मु कहे कौन ना शिक्षक पढ़ाऊ शिक्षक पढ़ाऊ तबे शिक्षक तांका काम करुचंती। कहे शिक्षक छात्र को पढ़ाऊ तबे जो छात्र को पढ़ेबा काम शिक्षक द्वारा हेबा जोगु एहा होचि प्रयोजनकर्ता। किंतु जदि मु कहिबि राम जाउचि राम द्वारा कार्यटि संपादन होउचि तनु राम होचि मुख्यकर्ता। तनु जदि कर्ता अन्य द्वारा कोनोसे कार्य साधन करिथाय ता होचि बा अन्य द्वारा कार्य जेमति कि शिक्षक को द्वारा ही पढ़ा हूँ क्या छात्र मान तेणु जोटा को डायरेक्ट बा माने डायरेक्टली जो कार्य कर्ता करिथाय ताको मुख्यकर्ता कह जाए। जो कार्य से कर्ता करे किंतु अन्य को अन्य द्वारा करिथाय ताको प्रयोजनकर्ता कह जाए। माने शिक्षक पिला मान को पढ़ाऊ ये शिक्षक सपोज मुझे आउ गोटे भल एग्जांपल जब मुझे देवी राजा पूरा डायरेक्टली एग्जांपल दौची ब्राह्मण मान द्वारा बा विप्र मानक द्वारा यज्ञ करेले तबे कौन राजा यज्ञ करेले नहीं कि राजा यज्ञ करेले किंतु कहा द्वारा करेले ब्राह्मण मानक द्वारा करेले। तेणु ये कर्तारे राजा होचंति प्रयोजनकर्ता राजा मुख्यकर्ता नुहे। राजा यज्ञ कले यार अर्थ हूँ राजा यज्ञ कले किंतु राजा ब्राह्मण मानक द्वारा बुझौच राजा ये प्रयोजनकर्ता। तेणु शिक्षक जैकि पढ़ाऊँ शिक्षक छात्र को पढ़ाऊँ भितर डिफरेन्स आसा जोटा कि हूँ शिक्षक प्रयोजनकर्ता है। तेनाली बाप पु को भात खुआईदे अर्थात बापा निजे कम करना जहाँ कि द्वारा जो कार्यटी हूँ पुह को खुआवा कमटे हूँ। तेणु एठार बापा मुख्यकर्ता नुहे बर प्रयोजनकर्ता अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वर्षा आगमन में कृषक कूल आनंदित हुए यह सप्तमी विभक्ति निश्चिंत भावे तेरे यह क्यों प्रकार सप्तमी अटे ना निश्चित भाव ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर भावे सप्तमी। अधिकरण निश्चित भाव जानी थे कि गच्छरे गच्छरे चढ़ई मान बसी मैंने गच्छ को अधिकरण कर बसी विप्सा अर्थ में दुई थर रिपीट हुए जो आप कहे कि संध्या रे घरे घरे संध्यावती दिया जाए निश्चित भाव या विप्सा अर्थ में तेना अधिकरण में विप्सा अर्थ में सप्तम विभक्ति होता है भावे निर्धारण एथिरे मध्य सप्तमी विभक्ति होता है। तो ऑप्शन होची ए आंसर जहाँ होची भावे सप्तमी। मार्ग और काल परिमाण बुझाइले मार्ग और कालर परिमाण को बुझाइले बुझाइबा पाई क्यों विभक्ति हुए तृतीया ना चतुर्थी ना पंचमी ना षष्ठी तबे राइट आंसर होची ऑप्शन सी जहाँ होची पंचमी। अर्थात यदि मु कहिबी कौन सर एग्जांपल दियंतु मार्ग अर्थ यदि मु कहिबी कौन गंगारु गोदावरी जाए गंगारु गोदावरी जाए तेणु मार्ग को बुझे नहीं कटकु भुवनेश्वर जाए ओडिशारु दिल्ली जाए मार्ग को बुझौच आ रु ठार मान ठार पंचम विभक्ति। यदि मु कालर कथा कहे कौन ना वैशाखु आषाढ़ जाए वैशाखु आषाढ़ जाए वर्षार शीत जाए रुठार मान ठार पंचमी एवं काल को मध्य बुझौच तेरु मार्ग एवं कालर परिमाण को बुझेले तेणु गंगारु गोदावरी जाए ये गोटे परिमाण कि ना गंगार नर्थ रु साउथ पर्यंत तेरे वर्षार वैशाखु आषाढ़ पर्यंत तमें खरार वर्षा गोटे कालर परिमाण नुह कि तेणु कालर परिमाण और मार्गर परिमाण को बुझेले पंचम विभक्ति होता है। ओके नेक्स्ट रही आपणकर क्योंटी समश्रेणीय नुहे आहुरी मध्य मात्र पुणी ए निश्चित भाव सब कौन रही बोले अव्यय रही आप देखिपे तेणु ये गोटे रही आपणकर संयोजक आ गोटे रही आपणकर विजोजक संयोजक एवं विजोजक संयोजक एवं विजोजक आहुरी मध्य मात्र पुणी तेरे आहुरी संयोजक मध्यम मध्य संयोजक पुणी मध्य संयोजक किंतु मात्र होउछि जा होउछि आपणकर विजोजक से कामटी माने जोडुछि वाक्य को किंतु से कामटी कला मात्र हारिगला ता माने दुईटी भितर कौन करुछि ना डिफरेंशिएट कर दउछि विजोजक कर दउछि वाक्य को जोडिबा सहित मध्य विच्छिन्न करिथाय जा कि आपणकर विजोजक अव्यय से पढुछि आहुरी पढिबो ता माने जोडी होउछि ता सहित से खाइला मध्य आहुरी खाई पारे कि मध्य जोड़ी जोड़ी की आपण करि परिबे कि संयोजक से आसुची पुणी जिनस पत्र नहीं कि आसुची ता साथिरे तने आउछ संयोजक किंतु मात्र होउछि विजोजक। नेक्स्ट देखिबा केउं दुई अव्यय व्यवहार दृष्टि रु समान भाव परिलक्षित हुए
समान भाव परिलक्षित होता दुईट जाक अव्यय हो क्वेश्चन को बुझु कौन कौन दुई अव्यय होते व्यवहार दृष्टि समान भाव परिलक्षित होता तो ऑप्शन सी हूँ आपंकर राइट आंसर तेज सर केमी यार एग्जांपल टी आम बुझेदेवे तेज जदि मु संभावनार कथा कहे कौन कह जदि तुम्हें आसब मुझी ये हूँ संभावना ये कौन से असुविधा ना मुझे मुझे जाऊ हटात गाड़ी रू पेट्रोल सरीगला ये हूँ काल तेनालीरें किसी आप सामान भाव देखिपारे कि देखिपारे किंतु जोबले निषेधार्थक आकल्पार्थक हाँ सादृश्य मत जब आप देखिए कौन ना परी से भाई परी देखापी ये हूँ सादृश या भितर मध्य किसी डिफरेन्स ना जोबले निषेधार्थक आकल्पार्थर कथा कौच कौन तुम्हें खाओ नचेत मरीज नचेत मरीज तेणु ये नचेत अच्छी यह पखापाखी जदि आम अव्यय देखा यह एक निषेधार्थ को बुझे थाए कौन ना ये मरीजा को निषेध कै जदि तुम औषध न खाइब जो तुम खाद्य न खाइब ताल मरीज निषेध करहित सहित यही नचेत कौन करे ना एक विकल्प अर्थ में व्यवहार हुए आईदर खाओ ना मरवा निश्चिंत नचेत कौन हो विकल्प अर्थ जहाँ को नचेत नोहिले ये सब जहाँकि आपणकर निषेधार्थक सहित विकल्प अर्थक व्यवहार होता है तेज सार मन में टी डाउट आसला कौन ना सर जदि आमको ये नचेत लगे सब वाक्य टे निषेधार्थक वाक्य थी विकल्प अर्थक आम कौन बुझु तेज से ही जगह वाक्य को निश्चिंत भाव दुईटर एक इम्पोर्टेंस भाव मान दुईटा को दर्शे प्रायत ये दुईट गोटे थे दिए जदिबा देव बा भविष्य में आप एग्जाम वाक्य निश्चिंत भाव से वाक्य देमी कौन कर ना जदि आम कह जाए कौन मशा री टांग नचेत हो जाए सॉरी नचेत मैलेरिया हबो नचेत मैलेरिया हबो बा रोग हबो ये आप देखु कौटिना कौटि मशारे टांगा को नहीं आपन ये विकल्प कथा चिंता करूना बर ये मशारे टांगा मशा को निषेध करने अर्थ में कह जाए तेनाली वाक्य देव जोटी आप अनुभव करें निषेधपी आप्रोप्रिएट ना विकल्पाई आप्रोप्रिएट ओके कि मुझे बारंबार आप क्वेश्चन चेक करेंगे निषेधार्थक विकल्पार्थक पखापाखि शब्द मानते अव्यय थाए जहाँकि विशेष भाव यह वाक्य दुईट जाक रखे ना तेणु यह एक व्यवहार हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रोच क्यों समर्थनीय अव्यय नुहे कलबल खल खल सल सल डाक हाक मैंने क्वेश्चन देखा जा डाक हाक ये सब हूँ आपंकर अनुभूति सूचक अव्यय आप फिल करपारती कलबल होगा कि माछटी पानी पानी नथिबा जोगु माछटी अल्प पानी रे कलबल होउछ कि रोगीटी रोग रे पड़ी कलबल होउछ तो पाटा सब खल अनुभव आम अनुभव अनुभूति जापारे तो पाटा सब खल खल हो कौन गोटे चढ़ीगला देखिए सल सल लगुच ये सब हूँ अनुभव रु अनुभूति डाक हाक हूँ जहाँकि ध्वनियार्थक जुग्म शब्द जो आम कही था डाक हाक जोटा कि आम पद विकार मूलक जहाँ कह कौन कह पद विकार मूलक कथा सांग को नथा जहाँ आम कही था पद विकार मूलक मान डाक सांगे हाक जोड़े आमको भल लगे कहवापी श्रुति मधुर करने पद विकार मूलक अव्यय व्यवहार कराए ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ गम धातु क्यों उपसर्ग व्यवहार कले अति कष्ट जीवा को बुझाए क्वेश्चन को बुझे बहुत भल क्वेश्चन टे गम धातु क्यों उपसर्ग व्यवहार कले गम तो हूँ जीवा धातु किंतु आम जदि अति कष्ट जीवा को बुझा तेल ये क्यों उपसर्ग को बुझा कहीं ये आप मैंने गम धातु सहित बहुत किसी व्यवहार करें देखु आप पारे आगमन आगमन आप गमन सहित जोड़ी गम सहित आप आगमन आसवा अर्थ को बुझे जदि आप कहे प्रत्यागमन फेरी जावा अर्थ को बुझे प्रत्यागमन प्रति उपसर्ग को जोड़ी पारे प्रति आगमन
अनुगमन आपण कहि परिबे अनुगमन अर्थात एटी अनु कहा अर्थ ना पाश्चात्य अर्थ बा पछ अर्थ रे मु तांको अनुसरण करे बा अनुगमन करे बा तांको पछ रे जाय किंतु अति कष्ट रे जीवा को आपण जदि कहिबे दुर्गम आमे कहि दउ यो अति दुर्गम पथ अर्थात जीवा जेउटी की कष्ट साध्य जेउटी अति कष्ट हे कष्ट थाय जीवा पाई के ताको कहा जाय दुर्गम पथ तेनु उपसर्गटी लागुची दु जोटी अति कष्ट जीवा अर्थ को बुझौती किंतु आगमन प्रत्यागमन अनुगमन अर्थ रे अति कष्ट जीवा को बुझौ ना किंतु ये प्रतिटी आम गम धातु सहित उपसर्ग व्यवहार कर पारिबा किंतु अति कष्ट जीवा को आम दुर्गम बोली कहिबा ऑप्शन डी होचे रा राइट आंसर तबे कादुअ चकटी कांथ दि जाए जो मूल धातुटी अच्छी यह कौन चकट ना चक ना केउटी नुए ऑप्शन हूँ आंसर डी केउटी नुए कहीं ना चकट हूँ जहाँकि मूल धातु क्रिया यह हूँ देशज क्रिया तेणु जोटी की आपण एक तत्सम धातु क्रिया संस्कृत सहित सामान रही था तद्भव जहाँकि संस्कृत व तत्सम उद्धत होता है कि देशज क्रिया जमीक हापुड़ चकट ये सब जो शब्द आम क्रिया व्यवहार करूँ ये सब क्रिया जहाँकि एक देशज क्रिया जार कौन मूल धातु क्रिया न था तेनाली ऑप्शन डी हूँ आपको राइट आंसर जहाँकि केउटी नुहे तेनालीनबे आंसर हूँ ऑप्शन डी जेहेतु यह देशज क्रिया अटे तेनाली समसनीय नाम धातु क्रिया नुहे ततेइबा तुलाइबा ढिलेइबा सोसेइबा तेबे ए जो चारोटी नाम धातु क्रिया अच्छी एउटी जहाँकि समश्रेणीय नुहे आपको क्वेश्चन पचारि जहाँकि ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर जदि आप ततेइबा कथा कहते हैं विशेषण रु आसी तातिबा हूँ विशेषण तुलाइबा हूँ कौन से कार्य को तुलाइबा जहाँकि तुल्य अर्थ रु आसी तुल्य हूँ एक विशेषण तुलाइबा ढिला हूँ एक विशेषण जो विशेषण सूत्र ढिलेइबा कि शोषेबा हूँ शोष एक विशेष एक अवस्था के मन में क्वेश्चन आसुव कि सर के प्रकार विशेष अटे ना अवस्थावाचक विशेष अटे शोष जो थ्रु आसी शोषेबा तेना विशेष पदर आसुवा जो नामधातु क्रियाटी आउ तीनोटी जाक विशेषण पदर आसुवा जो यह हूँ समस्त डिफरेन्स ऑप्शन डी हूँ आप राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ मु गला बेलू से खाई केउटी सहायक क्रियार मूल पद अटे तेणु जदि आप देखिए सहायक क्रिया एठार गोटे हूँ दे आ गोटे हूँ थिला जो मुख्य क्रिया हूँ खाई तेणु खाद कौन से प्रकार नुहे तेणु एठार खाद अच्छी खाद अच्छी खाद अच्छी तेणु ऑप्शन तीन टू आम एलिमिनेट करूचे ऑप्शन डी आम आंसर पाऊँ जहाँकि दे हूँ दा धातु एवं थिला हूँ था धातु दा एवं था धातु आसूँ जोटा कि आपणकर सहायक क्रियार मूल पद तेणु नेक्स्ट क्वेश्चन कही क्योंटी समसनीय क्रिया नुहे जहाँकि गला पड़ा देला फलिला क्योंटी समसनीय क्रियापद नुहे तेनाली आप देखिए एठी गला पड़ा देला फलिला जो पांच प्रकार जो आप चार प्रकार क्रिया देखुं या भितर प्रथम आपटा कि बुझे कि यह क्यों प्रकार क्रिया अटे क्यों प्रकार क्रिया अटे जहाँकि मान टे बुझाप असुविधा हे मैंने किंतु प्रथम आप सकर्म कि अकर्म भागे कि मिश्र आमिश्र भावे किंतु ये एमती किसी ना आंसर हूँ पे ऑप्शन डी किंतु ये टिके मुझे क्वेश्चन को देची न्यूली बा नुआ कर क्वेश्चन टी को कमी ना जमीक मुझे खाई गला कह संडटी बिलरे धान खाई गला ये खाई गला अर्थात खाई देलार अर्थ को बुझौच खाई गला रे दर खाई गला ताको बाड़ाओ आमे कही था आमे खसिला मध्यं कहु या सहित सहित आमे को खसी पड़ा मध्यं कही था खसी पड़ा मध्यं कही था यदि आमे खाइबा सहित खाई देला मध्यं खाइला कही परिबा खाई गला अर्थात आकु आमे खाई देलार अर्थ रे मध्यं कही परिबा किंबा खाइला अर्थ रे कही परिबा ओके किंबा खसी पड़ा खसिला अर्थ रे कही परिबा खाई देला रे मध्यं खाइला कही परिबा तबे ये सब होची आपणकर अमिश्र क्रिया ये होची मिश्र क्रिया तबे तबे गला पड़ा देला ये सब देखंतु
सहायक क्रिया भाव व्यवहृत हो गला पढ़ला देला ये सब सहायक क्रिया रूप में व्यवहार किंतु फलिला देखु यह सहायक क्रिया रूप में व्यवहार होने को कर्म फलिला कर्म फलिला तेरे कर्म फलिला आगे कौन मिश्र आम कहीपर कि कर्मिला एमती किसी अच्छी कि क्रिया ना फलिला केबे भी सहायक क्रिया रूप में व्यवहार हुए ना तेणु ऑप्शन डी होची राइट आंसर ये जो तीनो टी अच्छी ये समस्ते होकर हेल्पिंग भर्ब जहाँ इंग्लीश कहते ऑक्सिलरी भर्ब आ फलिला जहाँकि मेन भर्ब भाव मुख्य क्रम रूप मुख्य क्रिया रूप में व्यवहार हो पाए सर्वदा तेणु ऑप्शन डी हूँ यार उपयुक्त आंसर से गीत शुणी शुणी शोई पड़ा तेणु गीत शुणी शुणी शोई पड़ा ए संदेह ना यह हूँ एक असमापिका क्रिया जहाँकि एक क्रम को बुझे शुणा शुणा पर शोवा जदि एक क्रम को बुझे थाए क्रियार एक क्रम को बुझे थाए क्रियार एक अनुकरण को बुझे थाए यह आम कौन कही था ना असमापिका क्रिया बोली दुईरुक्ति भाव जदि आप रिपीट हुए आम असमापिका क्रिया कही था बुझिपारे तेना ऑप्शन बी हूँ यार राइट आंसर तेज नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन क्योंटी समश्रेणीय क्रियापद नुहे मिसा घोषा मापिबा ठेलिबा तो ये आप देखिए कौन मिसा क्या मिसा आंसर पाइबानी कि कौन घोषा क्या घोषा कौन मापिबा क्या मापिबा कौन ठेलिबा क्या ठेलिबार आंसर पाइबे तेणु यह हूँ एक अकर्मक क्रियापद तेणु आंसर हूँ मिसा तेणु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से मत कि उत्तर देना से मत कि उत्तर देना तेज जदि आप देखिए वाक्य मत मान जदि आप उत्तर देना देना उत्तर देना आप क्वेश्चन करेंगे कहा को देना ना मत कौन देना ना उत्तर तेणु आंसर हूँ पे द्विकर्मक देना जब आप कौन देना ना उत्तर देना क्या देना ना मत देना तेणु द्विकर्मक हूँ एटारे क्रियाटीए दुईट जाक कर्म थी तेणु जो बड़े कौन बोली क्वेश्चन करे ता हूँ मुख्य कर्म जो बड़े क्या प्रश्न करे ता हूँ आपणकर गौण कर्म तेणु एटारे उत्तर हूँ मुख्य कर्म एवं मत हूँ गौण कर्म तेणु दुईट कर्म उपयोगी वाक्य जो यह हूँ द्विकर्मक क्रियापद टीए मधु खाइबा आगर हरि खाई तेणु क्रियार काल निश्चित भाव भूत अटे भूत जदि जनक पूर्वर जनकर जब क्रिया साधन होने कौन कहीपर प्राग भूत काल बोली कह प्राग भूत काल बोली कह जोटा कि आंसर हूँ आपणकर ऑप्शन बी तबे जदि आम एठारे कह कि कौन भात फुटुला यह मध्य आपणकर कौन ना अतीत काल बा भूत किंतु किंतु एटी असंपन्न भूत माने अतीतर कार्य बा अतीतर कार्य किंतु संपन्न होना संभाव्य भूत कौन ना जदि दुईट जाक को अतीतर रखिए संभावना दुईट जाक थी कि दुईट जाक संभावना अतीतर थी केमी संभावना दुईट कि संभावना दुईट जाक अतीतर थी कौन जदि खरा होता भुवनेश्वर जाती अर्थात मु बर्तमान कहूँ दुईट जाक अतर घटना को नहीं मुझे अतीत खरा होता ता भी अतीत तेणु दुईट जाक संभाव्य खरा हेबाटा संभावना भुवनेश्वर जीवाक संभावना तेणु यह आम संभाव्य भूत बोली कह तेणु गोपबंधु पुरी रे जन्मग्रहण करते जदि आम कह कि महात्मा गांधी देश स्वाधीन करते यह कहीं कालर भूत अद्य नुहे बहुत पुराणा अतीत आम कौन कहीपर जब पुराण जोटा कि बहुत पुराणा अतीत हुए आम अनद्यतन भूत कही था तेणु पाने कौन ना प्राग भूत अनद्यतन भूत कन्फ्यूज हूँ जो बड़े आम कही था कि 1947 मसीह स्वाधीन होता ये क्यों भूत पिलामाने प्राग भूत काल आंसर दिखती ना प्राग भूत हूँ जनक पर जड़े दुई जन भितर कंपेयर मु गला बेलू माँ आसी जाइले मान जनक पर जड़े एक प्राग भूत बोली कहुए कि
ଯଦି ଦୂର ଅତୀତ ହୁଏ, ଦୂର ଅତୀତ ଯଦି ପାଖ ଅତୀତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଅଦ୍ୟତନ ଭୂତ, ଯଦି ଦୂର ଅତୀତ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନଦ୍ୟତନ ଭୂତ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହାକି ବହୁତ ଡାଉଟ ରହିଛି ଏଇ କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ତେଣୁ ଏଇ କାଳ ଉପରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଲାସ ଆସନ୍ତାକାଲି କ୍ଲାସରେ ଆଣିବା। ଏହା ସହିତ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଉଟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ ଏକାଡେମିରେ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି କ୍ଲାସରେ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧି ସନ୍ଧି ଏବଂ କାଳକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆଜି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଆସ ପହର ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ରିୟାର କାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧିକୁ ନେଇ ବିଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପାର୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ ରହୁଛି ବା କେଉଁ ପାର୍ଟରୁ ଟିକେ ସାର୍ ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲେ ଆମ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇପାରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବି। ଓକେ, ତେବେ ଯେଉଁ ଗିରି ଗୃହା ରହିଛି, ଏଇ ଗିରି ଗୃହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦରି ନା ଦରି ନା ଏ କିମ୍ବା ବି ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ଦରି ଯେଉଁ ଗିରି ଗୁହା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦରି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଶତରଞ୍ଜ ବଡ଼ ଛପ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ କହନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ ବଡ଼ ପାଲ ଟାଇପ୍ର ଶତରଞ୍ଜକୁ ଦରି କହନ୍ତି ଏବଂ ଦରି ଗିରି ଗୁହାକୁ କହନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଶତରଞ୍ଜ ବା ବଡ଼ ସୌପ ଟାଇପ୍ର ପାଲ ଟାଇପ୍, ଯେଉଁଟାକି ନିମନ୍ତ ପର୍ବ ହେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରୋଲିଂ ରୋଲିଂର ଥାଏ ଯେଉଁ ପକେଇକିରି ପରିବା ଫରିବା କାଟନ ଦେଖିବେ ତାକୁ ଦରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟା ପିକନିକ ପିକନିକ ଗଲେ ସେ ଦରିକୁ କପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ହର୍ଷେଇକାର ଆଉ ଗିରି ଗୁହା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘେଇକାର। ତେଣୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଏହାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଗକୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବେ 25 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ। ଏ 25 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଏଗେନ୍ କହି ରଖେ, ନମ୍ବର ହେଉଛି 8249414425। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ବହୁତ ହି କମ୍ ସମୟ ରହିଲା ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ 25 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଡିସ୍କସନ୍ ପାଇଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଏସବୁ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ 300 ମଧ୍ୟ ପେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ହି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ 25 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ ତା'ର ପାଇପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସେସନ୍ ଭାବେ, ଯାହାକି ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ଶନିବାର ଦିନ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି। ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ବା କ୍ଲାସ୍କୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯଦି କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ସେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଯେମିତିକି ବିଜୟ ହେଲେ କିମ୍ବା ଚୈତନ୍ୟ ହେଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କେତେ ଜଣ କ୍ରିଷ୍ଣା ହେଲେ, ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ କି ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ବହୁତ ହି ପିଲା କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ହୁଏ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି କିମ୍ବା ଟାଇମ୍ର ଅଭାବ ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ବାକି କେଉଁଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ଆସୁନି ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟର ବା ଯିଏ ପଢ଼ାଉଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସେସନ୍କୁ, କମେଣ୍ଟ ଦେବା, ଏହା ସହିତ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଏହା ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସବୁବେଳେ, ଆଜି ଏସବୁ ପାଇଁକି ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଓପିଏସ୍ସି ଓଏସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିଲେ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। ସୋ ମୋ ସହିତ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ତାହାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣ କରି ଦେଖିନେବେ, ଜଷ୍ଟିଫାଏଲି ଯେଉଁ କରିବେ କେତେଟା ଠିକ୍ ହେଲା କେତେଟି ଭୁଲ ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଥରେ ଆଉ 25 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇ।